अपने गृह विधानसभा क्षेत्र गुमारमी के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्थानीय जनता की समस्याएं सुनकर अधिकतर समस्याओं का समय पर ही निपटारा किया, तो साथ ही कई पंचायतों को जोड़ने वाले अति महत्वपूर्ण डुगली पुल की आधारशिला भी रखी। वहीं राजेंद्र गर्ग के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद राजेंद्र गर्ग ने डुगली पुल का शिलान्यास किया। वहीं राजेंद्र गर्ग का कहना है कि इस पुल के जरिए कुठेड़ा व हरलोक की पंचायतें एक दूसरे से जुड़ेंगी, जिसका आने वाले समय में हजारों ग्रामीणों को लाभ होगा। इसके साथ ही राजेंद्र गर्ग ने कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदेश सरकार के रोड शो पर भी निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को मुद्दा विहीन पार्टी करार देते हुए कांग्रेस का कमीशन के साथ गहरा नाता होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कृषि विधेयकों के जरिए किसानों को अपने उत्पाद का लाभ सीधे तौर पर मिलने व किसान की आमदनी दुगना होने की बात कहते हुए बिचौलियों को हटाने व कांग्रेसी नेताओं का कमीशन खत्म होने के चलते प्रदर्शन को उनकी बौखलाहट बताया है। आज जो ग्राम डुगली के अंदर एक पुल का जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसमें अभी तो उसमें लगभग 250 से 300 परिवार उसमें उस पुल के माध्यम से उनका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में इसके साथ जब हर लोग के साथ जुड़ जाएगा ये रोड, तो हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और अच्छी कनेक्टिविटी इस क्षेत्र में कुठेड़ा से लेकर हर लोग तक बाया डुगली बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी, और जिससे यहाँ के इस क्षेत्र के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा और बाहर के लोगों को भी आने जाने में सुविधा मिलेगी, विकास भी इससे आगे बढ़ेगा।